गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया था, नेगेटिव, डाइपोल एंड मेनी अदर केसेस हमने उसमें डिस्कस किए थे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई ई। होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जिसको हेल्ड कर रखा है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इज द मेजर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। कि किसी एरिया में से जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट किया है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्मली क्रॉस कर रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली मतलब हमने ये एक एरिया कंसिडर किया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास कर रही थी जो इसके साथ थीटा एंगल बना रही थी, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉर्मल नहीं है इसके। हमने इसके दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट ये किया जो हमारा था ई साइन थीटा, और ये एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जिसको हमने लिखा है ई कोस थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल वाला ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट है। तो हमारा फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इस एरिया में से नॉर्मली पास हो रही है। कैसे पास हो रही है, नॉर्मली पास हो रही है, यानी फॉर स्मॉल पोर्शन, इस छोटे से पोर्शन के लिए हमारा फाई ई क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या मेजर करती है, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताती है। तो जितनी ज्यादा लाइन्स पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी। और हमने कंपोनेंट्स करके क्या देखा कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई है वो हमारे एरिया के नॉर्मल है इनटू डीएस। तो हमारा फाई ई किसके इक्वल आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल आ गया ई डॉट डीएस कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डीएस, यानी फाई ई इज इक्वल टू हो गया ई डॉट डीएस। डॉट प्रोडक्ट है, इट मीन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एनी इरेगुलर सर्फेस, ये हमारा इरेगुलर सर्फेस है, यहां पर हमें पता था रेक्टेंगुलर टाइप का था या रोम्बस टाइप का था। इरेगुलर सर्फेस के लिए हम कैसे निकालेंगे, पहले एक स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे, फिर दूसरा स्मॉल एरिया, फिर तीसरा, फिर फोर्थ एंड सो ऑन, और फिर हम इन सभी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। फिर से बता देता हूं, किसी भी एरिया के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पहले एक पार्ट लिया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सभी को हमने क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डीएस कोस ऑफ थीटा। नाउ इट्स एसआई यूनिट। फॉर्मूला क्या है फाई ई का, फाई ई का फॉर्मूला है हमारे पास ई डॉट ई, ई इंटू एस, एस एरिया है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया का क्या यूनिट है, मीटर स्क्वेयर। तो हमारे पास ऐसा यूनिट क्या रह गया, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम्ब, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकेंड यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वेयर। तो हमारा नेक्स्ट ऐसा यूनिट क्या बन गया, वोल्ट पर मीटर। चाहे इसका ऐसा यूनिट ये लर्न कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, दोनों एक ही बात है। नाउ डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, गॉस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए सरफेस। क्या बताती है बेटा कि किसी सरफेस में, मान लो ये सरफेस है, इसके अंदर थ्री फोर चार्जेस रखे हैं, इन फोर चार्जेस और इनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रिलेशनशिप बताती है। क्या कहती है, इट स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू ए क्लोज सरफेस इज वन अपॉन एप्साइलोन टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। क्या कहती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस का वह क्या होगा, वन अपॉन एप्साइलोन टाइम्स होगा नेट चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस। जो सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसका वन अपॉन एप्साइलोन टाइम्स होगा, यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस किसके बराबर होगा, क्या वो अपॉन एप्साइलोन, क्या वो अपॉन एप्साइलोन जितना उसके अंदर चार्ज है। अगर हम इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इसके लिए हमारे पास ई डॉट डीएस यानी फाई की वैल्यू क्या आएगी, फाई ई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास ई डॉट डीएस, और ये किसके इक्वल आएगी, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज से प्लस क्या हो, प्लस थ्री क्या हो, कितना हो गया फोर क्या हो, माइनस टू क्या हो, कितना रह गया टू क्या हो अपॉन एप्साइलोन। दिस इज द गॉस थ्योरम कि किसी भी सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यानी फाई ई होगा वो किसके बराबर होगा, फाई ई हमने पढ़ा है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इंटू कोस ऑफ थीटा इज इक्वल होगा चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्साइलोन, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्साइलोन। ओके, अगर हम उस ऑपरेटर को या उस चार्ज को किसी मीडियम में ले जाए जिसकी परमिटिविटी एप्साइलोन है, परमिटिविटी क्या है एप्साइलोन, तो हमारे पास फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, फाई ई इज इक्वल टू हो जाए क्या वो अपॉन एप्साइलोन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, अगर एयर में है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या वो अपॉन एप्साइलोन। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आया हुआ है सीबीएसई में। हमने क्या लिया, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया और उसके अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस हमने ले लिया फॉर सेक ऑफ कन्वेंशन। ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम टोटल सरफेस का नहीं देखेंगे, इस स्मॉल पोर्शन का हमने देखना है। इसका एक स्मॉल पोर्शन लिया जिसको हमने डीएस बोला और उसके लिए हमारा एरिया वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है एन कैप, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डायरेक्टेड आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, इस तरफ होगा। पीछे वाले टॉपिक को रिवाइज करना, उसमें पता लग जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो डायरेक्टेड आउटवर्ड होती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस के क्या होगी, नॉर्मल होगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, अगर हमने सपोज किया है कि रेडियस ऑफ स्फीयर आर है तो इसके किसी भी पॉइंट पी पर किसी पॉइंट स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल होगा ई इज इक्वल होता है बेटा क्या अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ओके, या ई क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा, ये थीटा क्या होता है, फिर से रिवाइज कर देता हूं, थीटा होता है बेटा एंगल एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यहां पर थीटा क्या है, फॉर दिस केस थीटा किसके इक्वल आ गया जीरो डिग्री, बिकॉज एन के बी डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी भी पॉइंट के लिए क्या होगी, डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड, तो हमारा थीटा क्या हो गया जीरो डिग्री, यानी हमारी फाई ई क्या रह गई, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डीएस, कोस जीरो वन होता है बेटा, कोस जीरो क्या होता है वन। अब हमें इंटीग्रेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट्स पे क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, डेफिनेट रहेगा, तो क्या चेंज हो रहा है हमारा, एरिया चेंज हो रहा है और जो चेंजिंग क्वांटिटी होती है वेरिएबल क्वांटिटी होती है, इंटीग्रेशन हमेशा उसी का होता है, प्लस वन से सिखाता आ रहा हूं आपको, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ई बाहर आ गया क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, यानी ई का ई लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब टोटल एरिया क्या है स्फीयर का, पहले एक पार्ट कंसीडर किया फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट ऐसे करके हमने इसका टोटल एरिया कंसीडर कर लिया,
टोटल एरिया क्या होता है बेटा, 4πr² 4πr² अब ई की वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या है हमारा क्यू अपॉन 4πε₀r² इंटू 4πr² 4πr² से 4πr² कट गया तो हमारे पास पाई ई की वैल्यू क्या आ गई क्यू अपॉन ε₀। और यही किसने बताया था, गॉस थ्योरम ने बताया है कि किसी भी सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है क्यू अपॉन ε₀ चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। फिर से प्रूफ रिपीट कर देता हूं, हमने क्या कंसीडर किया है, एक पॉइंट चार्ज लिया है जिसकी वैल्यू क्यू है, उसके अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस लिया है जो आर रेडियस का है, उस स्फेरिकल सरफेस पे हमने कोई एरिया कंसीडर किया है स्मॉल एरिया, उस स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे पहले फिर उसको टोटल एरिया पे इम्पोज कर देंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट पी, ये जो हमने एरिया लिया है पी पॉइंट पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा क्यू अपॉन 4πε₀r². नाउ फाई ई की क्या वैल्यू होती है बेटा, तो फाई ई इज इक्वल टू होता है क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, यानी क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इंटू कोस ऑफ थीटा, और थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। और इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी नॉर्मली डायरेक्टेड आउटवार्ड है और एरिया भी नॉर्मली डायरेक्टेड आउटवार्ड है, तो एंगल हो गया थीटा। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन की है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेफिनेट होगा तो वो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है इस केस के लिए, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा वेरिएबल क्वांटिटी यानी एरिया का, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr² सोलव किया तो हमने क्या देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो गया क्या हुआ अपॉन ε₀। हेंस गॉस थ्योरम प्रूव, तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड।